गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। सो ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन में हम ऑलरेडी आर्टिकल्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट टू है। अगर आप पार्ट वन नहीं देखें तो जाके आप पार्ट वन चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। अदरवाइज आपको इसका रिकमेंड फुल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ डायरेक्शन है, चलिए डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 140 आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन हैज फोर ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 140 क्वेश्चन है, बट पार्ट वन में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और पार्ट टू में 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या है कि एक 20 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के पास चार ऑप्शन है और उसमें से एक करेक्ट है जो आपको चूज करना है, ठीक है ना। और ये पार्ट टू है, हमको मालूम है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, डैश गोल्ड माइनेड हियर इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी। मतलब कि जो गोल्ड होता है यहाँ पे बहुत ही रेयर टाइम्स मिलता है, ठीक है ना। रेयर क्वालिटी मतलब पुअर टाइम्स का, पुअर क्वालिटी मतलब ये होता है रेयर टाइम्स में यहाँ पे गोल्ड मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा आर्टिकल्स हमारा, ए एंड द अननोन आर्टिकल्स। ऑब्वियसली सी बात है कि जब भी कोई हम एक बहुत अच्छा मतलब कि एक इंपॉर्टेंट धातु के बारे में बात करते हैं, मेटल्स के बारे में, तो वहाँ पे हम ऑब्वियसली सी द लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं द डायमंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे गोल्ड है भाई, तो लगेगा द तो लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे द लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। सो ऑप्शन सी द लगेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए नहीं लगेगा, ऑप्शन सी द लगेगा, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, आवर सिटी विल हैव डैश यूनिवर्सिटी सून। मतलब कि हमारे शहर में एक बहुत जल्द ही एक यूनिवर्सिटी खुलेगा, तो आप क्या बता सकते हो यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा और नो आर्टिकल्स, या कुछ भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए लगे क्योंकि यहाँ पे यू से स्टार्ट हो रहा है ये प्रोनाउंसिएशन, जो हम कैसे देखते हैं यूनिवर्सिटी और जैसे कुछ भी वर्ड है। सो हम स्वर और व्यंजन के हिसाब से देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ए लगेगा या लगेगा। तो ऑफिशियली से बात है, ये यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव नेवर नो सच हैज सच, यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, ओके आई एम सॉरी, सच डैश वेट समर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा चीज़ लगेगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि ए ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ए ही लगेगा, सिंपल था। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि ज़्यादा पूछे जाते हैं रेयर केस में, ठीक है ना। सो डैश स्पेसिफिक ओशन इज डैश डीपेस्ट ओशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि पैसिफिक ओशन जो है वो कैसा ओशन है, पैसिफिक ओशन क्या डीपेस्ट ओशन है। पैसिफिक ओशन एक ही और ये कैसा है, डीपेस्ट है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमको मालूम है कि यहाँ द लगेगा, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे लगेगा द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन। तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या लगेगा, द ही लगेगा, ठीक है। चलो लेट्स क्वेश्चन नंबर 5। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि यस्टरडे आई मीट डैश यूरोपियन, ठीक है। तो यहाँ पे यस्टरडे मैं एक यूरोपियन से मिला था, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, यू है यहाँ पे, ठीक है, यूरोपियन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है ए लगेगा, ए यूरोपियन, यस्टरडे आई मीट अ यूरोपियन, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6, डैश एडवर्टाइजमेंट शुड बी ब्रीफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए एंड द नो आर्टिकल्स। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, ए प्रोनाउंसिएशन देखो ए आ रहा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी एन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, मेंटेन डैश फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ एवरीवन, ठीक है, ए एंड द नो आर्टिकल। सो अब यहाँ पे क्या लगेगा, मेंटेन अ, ठीक है ना, मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो यहाँ पे देखो अब आ रहा क्वेश्चन नंबर, डैश अकबर वाज अ ग्रेट किंग। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए एंड द नो आर्टिकल। सो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे ए ही लगेगा क्योंकि अकबर एक नाम है, पैसिफिक उतना है, ग्रेट किंग, यहाँ पे द ग्रेट किंग लग सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए लगेगा, अकबर के पास ए लगेगा, ए अकबर वाज अ ग्रेट किंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ही लगेगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9, माई अंकल इज डैश MP। सो यहाँ पे MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। MP इज वन टाइप ऑफ लाइक हाउ यू स्पेल JEE मेंस एंड समथिंग, दिस लाइक ऑन अ क्वेश्चन इज दैट एंड ओके। सो MP क्या है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है माई अंकल इज एन MP, सो एन लगेगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन उसका ए से आ रहा है, ठीक है, इसलिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, अब
आई गेव हिम डैश इंफॉर्मेशन डैट ही वॉन्टेड. सो यहाँ पे क्या लगेगा, ए एंड द एंड नो आर्टिकल. सो यहाँ पे द लगेगा, ठीक है ना. आई गेव हिम द इंफॉर्मेशन, आई गेव हिम देन मतलब कि यहाँ पे खास इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है. मतलब कि मान लो कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़रूरी है, मैं तुमको दे दिया, तो मैं बोलूँगा आई गेव हिम द इन्फॉर्मेशन डैट ही वॉन्टेड, ठीक है ना. तो यहाँ पे खास चीज़ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, द बुक इज मेड ऑफ डैश बोर्ड, ए एंड द एंड नो आर्टिकल. सो यहाँ पे क्विज चीज लगेगा. यहाँ पे अगर मैं बोलूँ द बॉक्स इज मेड ऑफ बोर्ड, यहाँ पे नहीं है द बॉक्स इज मेड ऑफ बोर्ड. सिंपल सी बात है, यहाँ पे नो आर्टिकल्स लगेगा, क्योंकि हम नॉर्मली ये बोलते हैं ना द बॉक्स इज मेड ऑफ बोर्ड, ठीक है. दिस पेन इज मेड विथ प्लास्टिक, ओके. दिस बुक इज मेड विथ लाइक वुड ओनली, पेपर्स एंड सम थिंग्स, ओके लाइक दिस. सो वी विल नॉट यूज आर्टिकल्स इन दैट. सो ऑप्शन डी नो आर्टिकल्स. ओके, लेट्स क्वेश्चन नंबर 12. डैश पाटलिपुत्र एक्सप्रेस इज़ वेरी पॉपुलर, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए एंड द नो आर्टिकल्स. सो ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा द, क्योंकि पाटलिपुत्र एक्सप्रेस यहाँ पे एक पॉपुलर चीज़ के बारे में बात हो रहा था, ऑब्वियसली इस बात है यहाँ पे द लगेगा ही लगेगा. सो द पाटलिपुत्र एक्सप्रेस इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13. आई होप टू रीच गया विच इज़ प्रेजेंट इन बिहार इन आवर्स, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे डैश नहीं दिया हूँ, ठीक है ना. यहाँ पे डैश होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे डैश आता, एक मिनट. सो यहाँ पे डैश आता, ठीक है ना. सो ये पूछ रहा है आई होप टू रीच गया इन बिहार इन आवर्स. तो मैं एक क्या है, कितने घंटे के आसपास मैं मुझको मतलब कि जा रहा है कि मैं एक घंटे के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर या आवर एक आवर के अंदर मैं गया जो है वो बिहार में वहाँ पहुँच जाऊँगा. तो यहाँ पे क्या लगेगा, सो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है. एंड आवर आवर इसका पंच और से आ रहा है, तो यहाँ पे आवर हुआ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14. डैश लॉयन इज अ फेरिकोशियस एनिमल. ओके, सो फेरिकोशियस एनिमल मतलब कि लॉयन क्या है, खूंखार जानवर है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए एंड द नो आर्टिकल्स, ठीक है. तो यहाँ पे द लगेगा, द लॉयन इज, ठीक है. सो द लॉयन इज अ फेरिकोशियस एनिमल, ठीक है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15. आई होप नेवर नो सो वेट समर. सो ये क्वेश्चन आई थिंक इट्स रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट हुआ है शायद. ओके ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है हमारा जो यहाँ पे लगेगा वो ए ही लगेगा, ठीक है. सो ए लगेगा. क्वेश्चन नंबर 16. बोथ डैश ब्रदर्स लिव्स टुगेदर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बोथ डैश है, तो बोथ द ब्रदर लगेगा, क्योंकि दोनों भाई साथ हैं. यहाँ पे दो एक स्पेसिफिक भाई के बारे में बात करो जो साथ में रहते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे बोथ द ब्रदर लगेगा, ठीक है. सो अब आता है यहाँ पे, पाटलिपुत्र इज द कैपिटल ऑफ डैश मगध. सो देखो पाटलिपुत्र जो था ना वो मगध का एक कैपिटल था, ठीक है ना. मगध का कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र था, जो कि आज राइट नाउ इट्स नोन एज पटना. बहुत अच्छा हिस्ट्री है मगध के बारे में, ठीक है ना. सो अब देख लेना, चलो देखो. तो यहाँ पे द लगेगा, ठीक है. ऑब्वियसली से बात है कुछ खास चीज़ के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे द तो लगेगा ही लगेगा. सो पाटलिपुत्र इज द कैपिटल ऑफ द मगध, ठीक है. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18. डैश गीता इज़ द होली बुक ऑफ हिंदूज, ठीक है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी टॉपिक है भाई, यहाँ पे द ही लगेगा. द गीता इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज, तो द लगेगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. ही रीच्ड हियर लेट इन डैश आफ्टरनून, ठीक है. ही रीच्ड हियर लेट इन डैश आफ्टरनून, यहाँ पे क्या लगेगा, कुछ आइडिया है. यहाँ पे ऑब्वियसली बात है द ही लगेगा, ठीक है. ही रीच्ड हियर लेट इन द आफ्टरनून, ठीक है. तो दो लगेगा. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आवर. सी इज सफरिंग फ्रॉम डैश बैड कोल्ड, ठीक है. सी इज द सफरिंग फ्रॉम द, यहाँ पे दो लगेगा. अगर आप यूज करोगे ए, ई कैसा लग रहा है, बैड यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा. सी इज सफरिंग फ्रॉम, अच्छा नहीं है ना. सो एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में होता, मतलब कि जो एक सी मतलब एक लड़की है, जो वीमेन है, जो भी है, वो एक स्पेसिफिक मतलब कि कोल्ड से फीवर है, तो यहाँ पे द लगेगा. सो द लगेगा, सी इज सफरिंग फ्रॉम द बैड कोल्ड. ओके, सो ये एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रहा था, तो हमारा जो आर्टिकल है वो कम्प्लीट हो गया. एंड
थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वी विल मीट अ नेक्स्ट वीडियो एंड दिस इज अ पार्ट टू वी विल गेट अ न्यू वीडियो फ्रॉम द आर्टिकल्स एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन हैव अ नाइस डे.